एक बार फिर से हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको ये आइकन कंप्लीट कलर करके दिखाने वाले हैं और इसका हमने बैकग्राउंड कलर कर लिया है जिसमें हमने हरा और सफ़ेद मिला के लगाया हुआ है, तो इसको हम पूरा करने वाले हैं। ये हमारे पास दो ब्रश है 5 नंबर के, आपके पास 2 ब्रश होना चाहिए, एक पतला एक मोटा। और हमारे पास ये कलर प्लेट है और हमारे पास ये कलर आर्टिस्ट कैमल का कलर है, ट्यूब कलर वाटर कलर, इसी से हम कलर करने वाले हैं। तो वीडियो सर बन रही है, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक छोटी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल वाले घंटे को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो वीडियो सर बन रही है, वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो सबसे पहले हम जो कलर लगा रहे हैं ये है रेड, लाल कलर और गुलाबी कलर हमने बना लिया है और हम इसी दोनों कलर पहले लगाएंगे। तो पहले हम कलर लाल लगा रहे हैं और हमने ब्रश लिया 5 नंबर का। आपके पास 2 ब्रश होना चाहिए, हमने पहले बता चुके हैं, एक पतला एक मोटा, पतला आउटलाइन के लिए, मोटा डिजाइन को फिलअप करने के लिए। तो 2 कलर इसमें पहले लगाएंगे। पहले देखो हम लाल लगा दे रहे हैं और उसके बाद हम इसमें गुलाबी लगाएंगे, बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। देखिए हमने लाल लगा दिया, अब उसके बाद बीच में गुलाबी लगा रहे हैं और गुलाबी लगाने के बाद क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, तो देखिए आप पसंद में आ जाएगा। तो इस तरह से हमको लाल के बगल में गुलाबी लगा देना है, ऊपर हल्का सा देखो छोटा हुआ है तो वहाँ पर पानी मिला के हमको फैला देना है, तो ऊपर लाइट होगा और किनारे नीचे डार्क होगा। तो इस तरह से हल्का सा ब्रश में पानी लेना है और इस गुलाबी कलर को लाल कलर से थोड़ा सा मिक्स कर देना है। तो जिस तरह गुलाबी लाल वहाँ पर टच हुआ है, मिक्स हो रही, इस तरह देखिए अच्छे बीच में हल्का हो गया कुल मिला के, यानी कि आपको एक तरफ लाइट करना है एक तरफ डार्क करना है। तो ये देखिए दोनों मिक्स हो गया और एक तरफ लाइट डार्क करना अच्छा लग रहा है। इसी तरह से इसको हमको पूरा कंप्लीट कर देना है। तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा अगर आपको थोड़ा सा अच्छा लगे, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट करिएगा। देखिए काफ़ी अच्छा रहा है, इस तरह से एक तरफ डार्क कर देना है एक तरफ लाइट कर देना है और काफ़ी अच्छा लगेगा, ऊपर तरफ लाइट है नीचे तरफ डार्क है। अब इसमें हम कलर लगाने वाले हैं, वीडियो बन रही है, वीडियो को स्किप मत करिए तो आपको समझ में आ जाएगा। इस तरह से हमको फूल और कलियों में कलर लगा देना है और यहाँ पर जो पत्ती में कलर लगा रहे हैं ये है धानी रंग, जिसमें हरा और पीला है, पीला ज़्यादा है हरा कम है, इस तरह से हमको लगा देना है धानी रंग, तो थोड़ा सूख जाएगा उसके बाद में और कलर लगाना है। इस तरह से टहनियों में, पेड़ में, शाखाओं में, सभी जगह हमको धानी रंग लगा देना है। इस तरह से बिल्कुल लाइट कलर आपको ध्यान रखना है, अगर बैकग्राउंड डार्क होगा तो डिजाइन लाइट करेंगे और डिजाइन का लाइट है बैकग्राउंड डार्क करेंगे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अब देखिए हम जो फूल में कलर लगा रहे हैं ये है कत्था, जिसमें हमने लाल और नीला मिला के बनाया हुआ है। इस तरह से एक लाइन और कर लेंगे, आउटलाइन कर देंगे पतले ब्रश से तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो गुलाबी हो गया, लाल हो गया और कत्था हो गया, इस तरह से 3 टोन में फूल कंप्लीट हो गया। इस तरह से फूल में करना है। अब जो कलर लगा रहे हैं ये भी धानी रही रंग है, बस थोड़ा सा हरा इसमें ज़्यादा है, तो इसमें हरा मात्रा ज़्यादा है, पीला कम है, तो इस तरह से हमको थोड़ा मोटा इसको पूरा लगा देना है। अभी हम इसमें एक कलर और लगाएंगे, वीडियो स्वाद बन रही तो आपको समझ में आ जाएगा। हमारे यहाँ पर हाई स्कूल इंटर चित्रकला संबंधित चित्र आपको मिल जाएंगे, कक्षा 12 तक किसी भी क्लास के हों आपको सारे चित्र मिल जाएंगे और हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। अब इसके बाद देखो जो कलर लगा रहे हैं ये है हरा और नीला, हरा नीला मिला के हमको जितना भी हरा वरा पार्ट है हम हर जगह इसको आउटलाइन कर देना है पतले ब्रश से। तो ये कलर एक धानी हो गया, एक जो है हरा हो जाएगा और दूसरा जो है हरा में नीला मिला के आपको कर देना है डार्क, इस तरह से आउटलाइन कर देंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। हरा में नीला मिला के आप काला मिला सकते हैं, नीला मिला सकते हैं, कोई भी कलर मिला कोई दिक्कत नहीं, बस आपको डार्क करना है। ध्यान रखिए इसमें आपको स्केच प्रयोग नहीं करना है, ना ही स्केच पेन का प्रयोग करना है, आपको सिर्फ वाटर कलर और इसमें ब्रश का ही प्रयोग करना है। तो फूल देखिए कंप्लीट हो गया है, थोड़ा सूख रहा है, तब तक इसको हम आउटलाइन कर देते हैं। तीसरा हम आउटलाइन जो कलर कर रहे हैं इसे ब्लू है, तो आपको हमेशा आउटलाइन डबल करके इसे भरेंगे तो थोड़ा आसानी होगी। और थोड़ा देखिए इसमें हम थोड़ा सा व्हाइट लगा दे रहे हैं, थोड़ा सा लाइट हो जाएगा और अच्छा लगेगा। इस चीज कंप्लीट हो गया। तो अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट करिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं इसी तरह से नए वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।